नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com की डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा है और आमतौर पर देखा जाता है कि हर सर्दियों में च्यवनप्राश की बिक्री मार्केट में बढ़ जाती है। अलग अलग कंपनियां च्यवनप्राश की बहुत सारे बैच मार्केट में उतारती हैं और लोग इनको खाते हैं सर्दी दूर रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और शक्ति और यौवन की प्राप्ति के लिए। तो च्यवनप्राश दरअसल होता क्या है और मूल रूप से ये अस्तित्व में कैसे आया, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डाबर इंडिया के सीनियर मोस्ट वैद्य डॉक्टर राजीव राय जी उपस्थित हैं। हम उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर, जैसा कि मैंने कहा कि च्यवनप्राश खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खासकर कोरोना के बाद इसको जो प्रचारित किया गया कोरोना के दौरान, उसमें और इसकी बिक्री बढ़ गई है, लोग घर से भी बनाने लग गए हैं। तो आप ये जरा, पहला सवाल तो मेरा ये है कि दरअसल च्यवनप्राश प्राचीन रूप से होता क्या है, जो चली आई परंपरा होता क्या है, क्या है ये च्यवनप्राश? नरेश जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में बहुत सारे इस तरह की औषधियों का वर्णन किया गया जिनको उनके डोजेस फार्म के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे चूर्ण है, क्वाथ है, कल्क है, आसव है, तेल है, घी है, उसी तरह से एक कल्पना होती है जिसको अवलेह या प्रास कल्पना कर कहते हैं। अवलेह शब्द प्राश का ही सिनानिम या आप कहें तो पर्यायवाची है। अच्छा अच्छा, तो ये जो अवलेह है, च्यवनप्राश अवलेह है, इसमें आप देखेंगे कि ये च्यवनप्राश दो शब्दों से मिलके बना है, एक है च्यवन और दूसरा है इसमें प्राश। तो च्यवन ऋषि के लिए बनाया गया और ये प्राश इसका डोजेस फार्म है या जो इसका स्वरूप है वो अवलेह जैसा या प्राश जैसा है। प्राश की कैटेगरी से कहते हैं, मतलब हलवे जैसा। अवलेह जो है वो जिसको आप चाटा जा सके, जो इसका टेक्निकल डिफिनीशन है आयुर्वेदिक, वो ये है कि जिसको चाट के खाया जा सके वो अवलेह होता है। यानी ना ठोस ना तरल, बीच का। हाँ, सेमी सॉलिड कन्फेक्शनरी जैसा एक फॉर्मेट है जिसमें न ये संपूर्ण रूप से सॉलिड है न संपूर्ण रूप से तरल है, लगभग हलवे जैसी संरचना होती है। जी अच्छा, तो ये च्यवन ऋषि के ये सर्वप्रथम इसका वर्णन जो सबसे पहले आया वो ऋग्वेद में, वेदों में आया और उसके बाद ये इसका जो प्रथम निर्माण के लिए डिटेल वर्णन आया वो चरक संहिता नामक ग्रंथ में सबसे पहले इसका वर्णन आया जी। लेकिन ये मूलतः बनाया गया था च्यवन ऋषि के लिए और च्यवन ऋषि जिनको थोड़ा सा असमय उनका बुढ़ापा था और भी कोई एक प्रयोजन था जिसकी वजह से उनको यौवन प्रदान करना था और उनकी एजिंग की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा डिले करना था और उनको बहुत सारे अन्य फायदे पहुंचाने थे, तो उस प्रयोजन के लिए इस का निर्माण और आविष्कार किया गया और सबसे पहले आयुर्वेदिक ग्रंथों में चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन आता है, तो वहां किस प्रयोजन से आया था ये चरक संहिता, तो बाद में बनी? ये ऋग्वेद में ये च्यवन ऋषि का वर्णन आया और ये पदार्थ का आविष्कार हुआ तो ये ऋग्वेद के काल में हो गया, क्योंकि जब ऋग्वेद के काल में ही च्यवन ऋषि थे और उनके लिए ही ये औषधि का निर्माण हुआ या आविष्कार हुआ तो उस काल में ही इसका आविष्कार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने च्यवन ऋषि के लिए इसका आविष्कार किया था, ये सत्य बात है ग्रंथों के हिसाब से? ऐसा भी वर्णन है, लेकिन जो इसमें सबसे पहले लिखित इसका जो उद्धरण है या रेफरेंस है वो मैं आपको बोलूंगा कि सर्वप्रथम इसको जहाँ पे इसके निर्माण और इसकी जो गुणवत्ता से संबंधित जो इसके फायदे हैं उसका सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में किया गया। तो चरक संहिता में आया, उसके बाद तो फिर घेरण संहिता, सुश्रुत है, शारंगधर संहिता, अलग अलग सब में आ गया बाद में। तो उसके बाद ये बहुत सारी संहिताओं और ग्रंथों में आया और मूलतया ये चरक संहिता और उसके बाद बैसर रत्नावली, रस प्रकाश, रस तंत्र सार, सारंगधर संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इस तरह की संहिताओं और ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया
ज्यादातर इसमें जो है चरक संहिता के रेफरेंस को मूल रेफरेंस मान के लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके संहिताओं में इसका वर्णन मिलता है। डॉक्टर साहब, ये तो आयुर्वेद का विषय था, आज तो देखिए यूनानी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां भी च्यवनप्राश बनाने लग गई जी। तो ये प्राचीन है, ये तब से खाया जा रहा है आपने बताया, तो इसका प्रयोजन सिद्ध होता है कि भाई किस लिए खाया जाता है आमतौर पे? ये च्यवन ऋषि के बाद की बात करें तो ये किस लिए आमतौर पे खाया जाता रहा है अब तक? ये च्यवनप्राश के प्रयोग के मूलतः कई उद्देश्य हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस औषधि के वर्णन में ही लिखा गया है कि ये रसायन गुण वाला है, शरीर में बल प्रदान करेगा, त्वचा के लिए बेहतर है, आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाएगा, आप में व्याधि क्षमत्व प्रदान करेगा, आप में मैथुन शक्ति या बाजीकर जिसको बोलते हैं उसकी क्षमता को बढ़ाएगा, आपके जो स्वास्थ्य साथ और आपके श्वसन संस्थान की बहुत सी परेशानियां और दिक्कतें हैं उनको दूर करेगा। तो इस तरह की चीजों का तो ऑलरेडी वर्णन है और इसमें अगर आप संपूर्ण ग्रंथों को अगर आप देखें और उनका अध्ययन करें तो इसमें ढेर सारी बीमारियों और लाभों का वर्णन है जो च्यवनप्राश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो है बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज फायदा देने वाला है, जैसे आपने कहा कि ये शरीर में शक्ति बढ़ाता है, यौवन भी करता है और एजिंग प्रोसेस को डिले करता है और वाजीकरण या सेक्स संबंधी या यौन शक्ति को बढ़ाता है, और आंवला होने की वजह से इसके एक गुण आपने और बताया कि आंवला होने की वजह से ये दूसरे लाभ भी करता है। तो ये आप मानते हैं कि जो उस समय इसमें, अच्छा ये बताइए ये जो सारे फायदे करता है इनमें ये किन तत्वों, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं जिनकी वजह से ये फायदा करता है? नरेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये च्यवनप्राश का वर्णन चरक संहिता के रसायन अध्याय के प्रथम पाद में सर्वप्रथम आया था और इसमें करीब करीब 50 द्रव्य जाते हैं जिसमें मूल रूप से दशमूल आंवला इसका प्रधान द्रव्य है। इसके अलावा दशमूल, चातुर्जात, अष्टवर्ग, बला, अश्वगंधा, शतावरी, विदारी, पिपली, दालचीनी, छोटी इलायची, वंतलोचन, घी, तेल, इस तरह की चीजें मुख्यतया इसमें जाती हैं और इनकी वजह से एक संपूर्ण एक संयुक्त फॉर्मुलेशन का निर्माण होता है और उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयोग और उपयोग बताए गए हैं और आधुनिक बहुत सारे रिसर्चेस के द्वारा भी ये जांच करने के ये पाया गया। जैसे डाबर में खुद बहुत सारी इस तरह की स्टडीज की गई और ये पाया गया कि डाबर के च्यवनप्राश में इम्यूनिटी, एलर्जी, डाइजेशन सपोर्ट, एंटी ऑक्सीडेंट, पॉल्यूशन में सपोर्ट, एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, एडाप्टोजेनिक एक्टिविटी और बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, इस तरह के बहुत से महत्वपूर्ण जो इसके जो इंडिकेशन या आप बोलेंगे जो प्रयोग करने के लिए जो उन लोगों ने सजेशन दिए हैं उनको यहाँ पर अगर हमने देखा या आधुनिक पद्धतियों से जब हमने जांच की डाबर में तो वहां पे ये सारी चीजों में ये बहुत ही उपयोगी पाया गया। आपने बताया कि कई तरह के रोगों में है, तो ये जो आपने कहा रसायन है तो ये आंवले की वजह से रसायन इसे कहते हैं या और भी जो इसमें चीजें हैं उनकी वजह से इसे रसायन या शक्ति देने वाला कहा जाता है? इसमें आंवले के अलावा और भी जो सारी चीजें हैं तो संपूर्ण रूप से ये जो फॉर्मुलेशन है उसका गुण है लेकिन आंवले का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है इसके रसायन गुण में। तो आंवले में सबसे ज्यादा रसायन गुण इस फॉर्मूले के अंदर है? रसायन के लिए तो रसायन के प्रयोजन के लिए फार्मूले का आविष्कार ही किया गया। रसायन और व्याधि क्षमता जो दो महत्वपूर्ण इसके है, इसमें सबसे रसायन के लिए जिम्मेदार है ना? जी जी, आंवला भी इसमें रसायन के लिए, आंवला मूलतः इसका प्रधान द्रव्य है तो आंवला इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है रसायन के। तो सर रसायन का क्या उपयोग, क्या फायदा करता है? रसायन कोई चीज होती है, रसायन के रूप में ली जाती है तो उसके क्या लाभ होते हैं? रसायन जो शरीर में बहुत सारे टूट फूट जिनको आप रियर एंड टीयर बोलते हैं, बेसिकली मेटाबॉलिज्म जैसी एक्टिविटी बॉडी में चलती है जिसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती है, एक को बोलते हैं एनाबोलिज्म, एक को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म जो होती है बॉडी के लिए फेवरेबल होती है, कैटाबोलिज्म जो है वो फेवरेबल नहीं होती है। तो एनाबोलिक प्रोसेस को ये थोड़ा सपोर्ट करता है, एनाबोलिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है रसायन, और रसायन जो क्या करता है बॉडी में जो टूट फूट होती है जिनको रिपेयर करने की जरूरत है
या बैक एंड पे उनको फिर से सपोर्ट करके एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, वहां पे आके ये रसायन द्रव्य सपोर्ट करते हैं। इनके अलावा रसायन द्रव्यों में इस तरह की एक्टिविटी होती है कि अपने आप ये आपको बहुत सारी इम्यूनिटी में सपोर्ट करेंगे, आपके स्ट्रेस में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ स्ट्रेस होगा लेकिन उसके इफेक्ट नहीं होंगे, तो इसको एडाप्टोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह के और भी इसके फायदे होते हैं, इनमें भी बहुत सारा लाभ पहुंचाता है रसायन द्रव्य। और मूलतः इसमें अश्वगंधा जैसा पदार्थ है, आंवला है, तो ये बहुत ही नोन और जिनको बोलेंगे इस्टेब्लिश और वैलिडेटेड रसायन द्रव्य है। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि अश्वगंधा और जो इसमें दूसरे तत्व हैं वो आपकी स्ट्रेस दूर रखते हैं, तनाव दूर रखते हैं और पाचन शक्ति बढ़ाते हैं, और जो टूट फूट है शरीर के कोशिकाओं की या सेल्स की उसको भी दुरुस्त करते हैं। तो सर एक बार बताइए, क्या जो मूल रूप से फार्मूला चवन ऋषि के लिए तैयार किया गया था वो आज भी, आज के चवन प्राश में भी वही डाला जा रहा है या उससे कुछ अलग चली गई है प्रोसेस? नरेश जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले इसके पहले बताया कि चवन ऋषि के लिए जो फार्मूला बताया गया वही फार्मूला अगर आप चरक संहिता से बनाएंगे तो वही फार्मूला आपके को अभी भी मिलेगा और वही बना रहे हैं लोग। किसी किसी ग्रंथों में ऐसा हुआ है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कुछ चीजें और भी उसमें ऐड की गई हैं या जोड़ी गई हैं, तो वो अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से जिस ग्रंथ को लेकर आप अगर अपना फार्मूला बनाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राचीन ग्रंथों में फार्मूला का वर्णन है ग्रंथों में, वही फार्मूला आज भी बनाया जा रहा है। क्योंकि सर आप न सिर्फ सीनियर मोस्ट वैद हैं बल्कि डाबर की R&D डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, तो ये सवाल आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इतना आंवला देश में है जितनी कंपनियां मार्केट में उतार रही हैं? क्योंकि कुछ साल पहले मैंने नवभारत टाइम्स के लिए रिसर्च करके आर्टिकल लिखा था तो उस समय मुझे बताया गया था कि कुछ कंपनियां आंवले की कमी की वजह से शकरकंद और आलू का गूदा आंवले की जगह डाल देती है गड़बड़ के लिए। जी नहीं, ये सामान्य मिथ है जिसको वहन बोलेंगे और कंफ्यूजन है लोगों में, जो एक सामान्य व्यक्ति इस तरह का कभी सोच सकता है, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास नहीं कहूंगा, मुझे माफ कीजिएगा, ये बड़ी कंपनी के वैद्यों ने ही मुझे बताया था मेरी रिसर्च के दौरान कि आंवले की कमी की वजह से कुछ कंपनियां ऐसा कर रही हैं। नहीं, मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो मेरी जानकारी है, जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, वो ये बताता है कि आंवले का प्रचुर मात्रा में आंवला उपलब्ध है। आपको पता होगा कि अब आंवले की व्यावसायिक खेती भी शुरू की जा चुकी है देश में और बहुत सारे आंवले की उपलब्धता है। मेरी जानकारी में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई जरूरत है कि कोई इसमें इस तरह का सोचे और इस तरह का आज तो आंवले की कोई त्यौहार मिलाया जाता है। आज तो आंवले की खेती हो रही, लेकिन मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2008 या 2009 में जब मैंने इस स्टोरी को किया था फ्रंट पेज पे, उस समय ये बात सामने आई थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तो नरेश जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह का व्यवहार में लग के कोई अन्य सब्स्टिट्यूट को लाके या का निर्माण करेगा तो मूलतः वो प्रक्रिया संभव ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ताजा हर साल आंवले लेकर उससे च्यवनप्राश बनाना ज्यादा फायदा है या कुछ कंपनियां आजकल क्योंकि आंवला जैसे अब ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है देश में तो उसकी पिट्ठी बना के अगले सालों के लिए रख लेती हैं, तो उसका भी उतना ही असर आता है पिट्ठी से बनाए गए आंवले का, च्यवनप्राश का? तो अगर पिट्ठी बना के अगर आप एक सही कंडीशन में उसको प्रिजर्व करते हैं कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, जिनको बोलते हैं अच्छी सी पैकिंग में, तो दोनों परिस्थितियों में समान असर आएगा। लेकिन फ्रेश का तो ज्यादा असर होता ही, यही तो आप मानेंगे ना? हाँ, ये आप मान सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह की स्टडी या इस तरह की कोई जांच नहीं है जिससे ये डिफरेंस क्रिएट एस्टेब्लिश किया जा सके। तो अगर दोनों अवस्था के च्यवनप्राश हैं तो आप उनको बराबर मान के उसका प्रयोग करें, बेझिझक। अच्छा सर, एक बार बताइए, इसमें जो घी का प्रयोग किया जाता है तो जो शास्त्रीय नुस्खा था उसमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहा जाता था कि चंद्र नाड़ी की काली गाय जो देसी होती है उसके से दूध से बना घी होना चाहिए, ये कितना जरूरी है? नहीं, इस तरह की कोई बात शास्त्रों में नहीं है। चंद्र नाड़ी की गाय से चवन ऋषि के लिए नहीं बनाया गया था? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। वहाँ पे गाय के घी का आयुर्वेद में जो भी घी का वर्णन है वो गोघृत के लिए आता है, तो गोघृत की बात है, चंद्र नाड़ी और ये वाले की बात आप कह रहे हैं, इस तरह का वर्णन नहीं, ना तो ये ऋग्वेद में ना चरक संहिता में है जो आप कह रहे हैं।
ऋग्वेद में तो प्रथमतया वो फार्मूला का वर्णन नहीं है, तो चरक संहिता में जो सबसे सर्वप्रथम वर्णन है उसमें ये है कि गो घृत का वर्णन है, घृत का वर्णन है, और आयुर्वेद में जो भी घृत का वर्णन होता है उसका मतलब होता है गाय का घी। लेकिन उसमें ये देसी गाय का घी तो ज्यादा अनिवार्य होगा ना? जिस काल में ये बातें लिखी गई उस समय केवल देसी गाय ही थी भारतवर्ष में, तो वो अंडरस्टूड है कि देसी गाय की बात उस समय हो रही थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देसी और जो सामान्यतः और नस्लें गायों की हैं उन सबके घी को भी लिया जा सकता है। हाँ, मतलब आज तो क्रॉस ब्रीड की है तो उनके घी में कोई फर्क नहीं है देसी के मुकाबले में? इस तरह की कोई स्टडी मेरी जानकारी में नहीं है। वो अगर उनकी जो तय मानक है जिनको आप स्पेसिफिकेशन बोलेंगे उनके अंदर में अगर गाय के घी का स्पेसिफिकेशन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज डायबिटीज का हम सेंटर बनते जा रहे हैं, तो जो मूल फार्मूला था उसमें शर्करा इस्तेमाल करने की बात की थी, आप बताइए शर्करा किसको कहते हैं? क्या आज की जो रिफाइंड चीनी है उसको शर्करा कहा जा सकता है? जी, शर्करा को उस समय में जो बात की गई वो रिफाइंड चीनी ही थी। लेबल उस समय रिफाइनिंग का इस जो हमारा आधुनिक स्तर है उसके पार या उसके बराबर समकक्ष नहीं था, लेकिन वो जो बातें की गई हैं उसमें शर्करा की ही बात की गई। वो थोड़ा इससे लोअर लेवल की रिफाइनिंग थी, लेकिन वहाँ पे भी रिफाइंड शुगर की बात की गई, तो शर्करा वहाँ पे बात जो किया गया वो रिफाइंड शुगर के लिए ही था, चीनी के लिए कहा गया था जी। देसी खांड या बूरे के लिए नहीं कहा गया? देसी खांड या देसी शक्कर के लिए कहा गया था, जिसको आप देसी चीनी बोलेंगे उसके लिए कहा गया। हाँ, तो शर्करा का अर्थ गुड़ से बनी शक्कर नहीं, जो जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं? गुड़ को आयुर्वेद में चीनी से थोड़ा सा कमतर करके आंका गया और जो शर्करा को थोड़ा बेहतर करके आंका गया। जो जैगरी पाउडर है उसको शक्कर कहते हैं ना सर, क्या उस कहीं शक्कर? ये जैगरी पाउडर को शक्कर नहीं कहते नरेश जी, जैगरी को गुड़ कहते हैं, और जैगरी को जब थोड़ा रिफाइन करके ऊपर लाते हैं तो उसको शक्कर बोलते हैं, तो रिफाइनिंग का प्रोसेस आ जाता है उसमें। नहीं तो ये जिसको आमतौर पर लोग शक्कर कहते हैं, जो पाउडर जैगरी पाउडर, उसको क्या कहा जाता है? वो जैगरी से एक स्टेज ऊपर है। नहीं नहीं, हिंदी में उसको क्या कहें, शक्कर ना कहें? वो वही बोलेंगे, देसी चीनी या शक्कर। हाँ, वो भी शक्कर है और चीनी भी शक्कर है। एक्चुअली क्या है, उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। जब आप गुर्दे गुर्दे रस को गाढ़ा करते हैं तो उसमें कई प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। मैं अपने व्यूअर्स या सुनने वालों के लिए बिल्कुल क्लियर जानना चाहता हूँ कि आजकल शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो शक्कर जो गुड़ से बनी वो भी शक्कर है, और जो देसी है उसको भी शर्करा या शक्कर कहेंगे, तो दोनों का अलग नाम नहीं हुआ, इसका तो चीनी ही बोलते हैं सर। हिंदी में बहुत सारे नाम की अगर उपलब्धता होगी तो आप उसको बदल सकते हैं, उसको जो उपयुक्त नाम है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उपयुक्त नाम रिफाइनिंग करने के बाद जो जैगरी के लिए नाम है वो शर्करा ही अवेलेबल है। हाँ, तो शर्करा पर ये रिफाइनिंग का लेवल जो है आधुनिक स्तर पे ज्यादा उन्नत है, और जो उस काल में था वो थोड़ा इस लेवल की मशीनें और सुविधाएं नहीं थी, तो थोड़ा नीचे था। उस समय फार्मूले में शक्कर डालने की बात तो नहीं कही गई थी कहीं, जो गुड़ वाली है? उस समय शर्करा की ही बात की गई है, खंड सीता की बात की गई है, जो शर्करा के ही सिनोनिम है। और आज के डेट में शर्करा से अगर आपको मॉडर्न शुगर को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इसको चीनी बोल सकते हैं, जो नया वाला आप जिस जमाने में इस्टेब्लिश जो शुगर ले रहे हो। लेकिन सर, क्या ये चीनी डालना उचित है च्यवनप्राश में आज वाली? सर, अगर आपका संदेह कहाँ पे है नरेश जी, कहाँ पे आपके? चीनी कही जा रही है शुगर वालों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो देखिए, चीनी का नुकसान इसलिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी निर्धारित मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, और तो इसमें मेरे हिसाब से कोई इस तरह की खास नुकसान की संभावना नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कोई संदेह मन में इस तरह का संदेह है तो च्यवनप्राश के इस तरह के ऑप्शंस भी आजकल बाजार में अवेलेबल हैं। मैं उसी पर आना चाहता हूं कि अगर ये चीनी जो आज सभी कंपनियां डाल रही हैं च्यवनप्राश में वो नुकसानदायक है, तो फिर एक तो अगर नुकसानदायक नहीं है मान लीजिए आप कहते हैं, तो फिर गुड़ के और खजूर के और इस तरह की चीजें मिश्री वाले च्यवनप्राश क्यों आने शुरू हो गए हैं?
देखिए च्यवनप्राश में जो ग्रंथों का फार्मूला है, अगर उस ग्रंथों के फार्मूले से ही बनाएंगे तो च्यवनप्राश, उसका उसका नाम च्यवनप्राश दिया जा सकता है। और अलग अलग ये हमेशा मार्केट में ट्रेंड रहेगा कि अलग अलग लोगों के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको हमेशा नए नए ऑप्शन और इस तरह की चीजें बाजार में उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। अगर आपको पहले तो संदेह है, पहले तो उसका आंसर दे दीजिए कि अगर चीनी नुकसानदायक नहीं है तो फिर कंपनियां गुड़ वाला, शक्कर वाला, खजूर वाला, मिश्री वाला च्यवनप्राश क्यों ला रही? सर इसका अगर मैं आपको वैज्ञानिक उत्तर दूं तो अगर सुक्रोज कंटेंट दोनों में बराबर है तो फिर वो दोनों बराबर स्तर पे उनका जो नुकसान या फायदा होगा बराबर होगा। और जो उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, फिर कंपनियां क्यों ला रही हैं इस तरह का अगर नुकसानदायक है? हमें ऐसा अध्ययन में परिणाम नहीं मिल रहा है नरेश जी, जो आपका संदेह है। हमने ये देखा है कि निर्धारित मात्रा में च्यवनप्राश का अगर आप सेवन करते हैं और जो बताई गई है एक चम्मच, जिसमें कि 3 से 4 ग्राम तक अधिकतम जो सुक्रोज या चीनी वाला शर्करा वाला कंटेंट है, परिणाम की संभावना नहीं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कंपनियां फिर इस तरह के ऑप्शंस क्यों ला रही हैं अगर चीनी नुकसानदायक नहीं है तो? सर ये मैंने बोला ना, बाजार का व्यवसायीकरण है और इसमें इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे और हमेशा चलते रहेंगे और ये ऑप्शन आता रहेगा कि ये रहेगा, ये एक व्यवसाय है और इसमें इस तरह के ऑप्शन। आप बताइए कि सबसे सेफ च्यवनप्राश कौन सा है अगर जो मार्केट में उपलब्ध है, ताकि वो लोग इस्तेमाल करें, शक्कर वाला, गुड़ वाला, चीनी वाला, खजूर वाला, मिश्री वाला? सर गुड़, खजूर वाला, मिश्री वाला च्यवनप्राश, खजूर वगैरह वाला तो च्यवनप्राश मेरी जानकारी में है नहीं। जो शास्त्रोक्त कोई भी च्यवनप्राश अगर किसी बुक में जो फार्मूला बताया गया है, जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में जो फार्मूला बताया गया है, आम आदमी किताब देख के थोड़ी लेने जाएगा, आप बता देंगे तो वैसा ले लेगा। जरा आप बता दीजिए कौन सा ठीक है। तो सर जो सबसे प्रचलित च्यवनप्राश है, अच्छी कंपनी के द्वारा, जिनके द्वारा गुणवत्ता और मानकों का पालन करके जो बनाए गए च्यवनप्राश है, उनका सेवन निसंदेह करें और किसी भी संदेह की अवस्था में आप अपने चिकित्सक की सलाह ले लें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शुगर या डायबिटीज की कोई बीमारी है तो इसमें आजकल बहुत सारे शुगर फ्री वर्जन भी आ गए हैं, जैसे डाबर का खुद का च्यवनप्राश करके एक प्रोडक्ट है जिसमें चीनी नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन सर हर आदमी सेवन आप करते हैं, हर आदमी च्यवनप्राश खाने से पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना? मैं आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि च्यवनप्राश। सर मैंने आपको नरेश जी, मैंने बोला कि नरेश जी मैंने, सर मैं कह रहा हूँ गुड़ वाला खाए कि चीनी वाला, ये सॉरी गुड़ वाला खाए कि चीनी वाला खाए, आम आदमी दोनों 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 को सेवन कर सकता है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कई वेरिएशन आ रहे हैं उसमें, लोग कंपनियां अलग अलग वेरिएशन करके बना रही हैं और एक मूल फार्मूला है जो चरक संहिता में रहा है, तो जो फार्मूले से हट के बना रहे हैं क्या हम उनको, एक गवर्नमेंट ने भी इसको प्रेस्क्राइब किया है, डॉक्यूमेंट किया फार्मूले को, उससे अगर हटते हैं तो क्या उनको च्यवनप्राश कहा जा सकता है? आजकल लोग घर से भी च्यवनप्राश बनाने लग गए, जो मैंने कहा ना खजूर और मिश्री वाला, वो घर से जो कुटीर उद्योग कर रहे हैं, तो इन सबको क्या च्यवनप्राश हम कह सकते हैं उस फार्मूले से दूर है? नरेश जी थोड़ा सा एक मिनट लूंगा इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा आयुर्वेद में दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक को शास्त्रीय औषधि बोलते हैं, एक को प्रोप्राइटरी औषधि बोलते हैं। जी सर। तो जो ग्रंथों में फार्मूले लिखे गए हैं उनको शास्त्रीय औषधि बोलते हैं और जो अपने कंपनियां खुद डिजाइन कर लेते हैं उनको प्रोप्राइटरी औषधि बोलते हैं। जी सर। तो ये जो अपने से जो घटक द्रव्यों में कोई अगर आप बदलाव करते हो या परिवर्तित करते हो तो वो प्रोप्राइटरी मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे जो नियम और कानून है वो ये बोलते हैं कि च्यवनप्राश शब्द केवल जो किताबों में वर्णित फार्मूले हैं उनसे निर्मित औषधियों के लिए ही आप प्रयोग कर सकते हो, अगर आप उसमें कोई परिवर्तन करते हो तो उसका नाम आप च्यवनप्राश नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोला ने सही की, उसको हम च्यवनप्राश नहीं कह सकते, चाहे उसमें सोना चांदी डला हो या खजूर मिश्री डली हो, जो शास्त्रीय विधान के अनुसार है प्रोप्राइटरी नहीं है उसको कह सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने समय निकालकर जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों ये थे डाबर इंडिया कंपनी के सीनियर मोस्ट वैद्य और R&D डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव राय, जो बता रहे थे च्यवनप्राश का शास्त्रीय अर्थ क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसके गुण दोषों के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी बताया कि असली च्यवनप्राश की पहचान क्या है। इसी सीरीज में हम च्यवनप्राश पर और भी लोगों से बात करके च्यवनप्राश कैसे खाएं, कितना खाएं, इस पर और लाएंगे।
तब तक धन्यवाद।